सोनभद्र का उभरा बिजली उत्पाद से लेकर माइनिंग के लिए जाना जाता है और जल जंगल जमीन के कितनी निर्जलता से यहां दोहन किया जाता है इसकी तो बात करना बेईमानी है। नमस्कार, मैं हूं नाजिया शेख और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गोद दिल्ली तक। नेहरू ने इसको भारत का स्विट्जरलैंड बताया तो मोदी ने हर घर नल जल योजना का फायदा गिनाया। अब लोगों को इस फायदे का बेरोक टोक लाभ भी मिल रहा है, बिल्कुल नमामि गंगे की तर्ज और गंगा मैया की सफाई की तरह। पानी ऐसा कि ब्रह्मा भी शर्मा जाए, और चंद्रकांता आज की तारीख में होती तो कहीं और चली जाती और आप सब चंद्रकांता नामक उपन्यास को शायद ही पढ़ पाते। नदी का पानी सीधे लोगों के नल से निकाला जा रहा है, धूल मिट्टी गंदगी सब कुछ मोदी जी के विकास की तरह डबल इंजन के सरकार में सीधा मिल रहा है। यकीन मानिए, ना आप इससे नहा सकते हैं और ना इसको पी सकते हैं, और यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष पति का मानो इससे पानी में डूब मरने का भी मन नहीं है, जो अपने आका जल मैन रमेश यादव का भी मजाक उड़वाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। अधिशाषी अभियंता ने तो अपनी कंगाली के ऐसा रोना रोया है कि मानो योगी महाराज इनको भीख मांगकर तनख्वाह दे रहे हो और या अपने माँ बाप की जमीन बेचकर ऊपर के लोगों को पानी पिला रहे हैं। फिल्टर का रोना इस डीएम साहब से नहीं सुना गया, पर वो कुर्सी से तो ऐसे चिपकते हैं कि गंदे पानी का वीडियो भी उनको मुंह धोने का मौका नहीं दे रहा है। और रही बात डीएम साहब की, तो उनको रात में सोनभद्र की तिलसिम का इतना आनंद आता है कि वो चांद निकलने से पहले पब्लिक से दूरी बना लेते हैं। पब्लिक चाहे मैला पानी पिए या बीमार होकर मृत शैया पर जा चुके प्रोजेक्ट अस्पताल से बस रेफर होकर सीधा मोक्ष प्राप्ति करे। देखिए साथी रामशंकर अग्रहरी की रिपोर्ट और जानिए कि खनन के इतने बड़े लुटेरों के जमीन पर जल इतना मैला क्यों है। भैया आप जो है हमें जब बताएंगे कि आप यहीं ओबरा में रहते हैं। हाँ, ओबरा के हैं, ओबरा में जन्म हुआ है। तो ये नगर पंचायत का पानी जो आ रहा है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नगर पंचायत का पानी तो एक तरीके से टोटल फेलवर है पानी, ये पीने लायक नहीं है। अभी हम डायरेक्ट जो है जो सप्लाई का पानी आ रहा था मैंने बाल्टी में भरा है, इतना गंदा पानी है, मिट्टी भरा हुआ है। तो ये पब्लिक कैसे पी रही है? हम इसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या आप इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं? जल कल से प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर प्रॉपर ढंग से प्लांट से प्लांट अगर चले तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अच्छा, प्लांट नहीं चल रहा है? मैं पानी देख रहा हूँ, पानी की जो क्वालिटी है जो देखने से लगता है जी जी, उसके हिसाब से सीधे नदी से उठा करके जी 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 विदाउट फिल्टर किए जी 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 सीएलएफ से सीडब्ल्यूआर लेकर के सीधे सप्लाई कर दे रहे हैं। यस यस यस, आप तो हर घर जल योजना में काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। मतलब आप खुद देख रहे हैं, आप आंखी देखा बता रहे हैं कि मतलब सीधे गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। हम अभी यहां से जाएंगे और प्लांट पे ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप प्लांट में खुद आपको आंखों देखी हाल बता रहे हैं कि सीधे सप्लाई गंदा पानी आ रहा है बिना फिल्टर किए हुए। ये समझ लीजिए कि सीधे नदी से उठा करके पानी हमको दे दिया जा रहा है। तो ये क्या यहाँ के जिला जो नगर पंचायत सप्लाई कर रहा है, इसके यहाँ के ईओ, नगर पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के या एसडीएम या जिला अधिकारी, क्या ये सब देख नहीं रहे हैं क्या? जब कितनी शिकायतें गई हैं, पोर्टल भी इतना शिकायत किया है। देखिए, जो पानी की सप्लाई की गुणवत्ता की बात है जी जी, तो सबसे पहले क्या नगर पंचायत में लैब पानी के क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए जो लैब टेक्नीशियन है क्या वो है? अच्छा, क्या मतलब वो है? है अगर, कि नहीं अगर, है? हाँ। अगर ये कार्यदायी संस्था, कोई कार्यदायी संस्था हो, चाहे जल निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत, टेस्ट करने क्या उनके पास लैब टेक्नीशियन है? अगर लैब टेक्नीशियन है तो लैब में जो पानी जो फिल्टर करके जो सीडब्ल्यूआर में पानी रखते हैं या जो टैंक में ओवरहेड टैंक में पानी रखते हैं उसका नमूना ले। सही बात। अब प्लस हर घर हर मोहल्ले में जाके टोटियों से पानी लें और उसको मिलान करें कि जो हम वहाँ से पानी छोड़ रहे हैं क्या वही गुणवत्ता का आम आदमी को पानी मिल रहा है। ये होना चाहिए, गुणवत्ता जरूर चेक करना चाहिए, नहीं पब्लिक जनता बीमार हो गई। नहीं, गुणवत्ता बिना ये बताइए कि लैब बिना या पता करिए कि क्या यहाँ इनके यहाँ लैब असिस्टेंट है जो पानी को होना चाहिए। नहीं है तो हो भी होना चाहिए, अगर हो भी है भी तो भी नहीं है इनके यहाँ। अगर इनके यहाँ नहीं है तो इस संस्था के ऊपर गैर इरादतन जो भी धारा है धारा चाहिए। में मुकदमा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जनता गलत पानी नहीं देना है इनको। अगर सरकार ने सारी व्यवस्था कर रखी है तो
20,000-25,000 का सुविधा पे ही लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन मिल जाएगा, उसको रख करके बकायदा पानी को टेस्ट करके तब पानी पिलावे। जीवन में इस तरीके के पानी बांटने से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। जीवन में पानी का बहुत बड़ा उपयोग है, अगर पानी साफ सुथरा रहे। ये भारत वर्ष है इसलिए ये सब व्यवस्थाएं यहाँ चल जा रही है। अगर ये विदेश में होते तो सब लोग सलाखों पीछे होते। जनता को इन्होंने एकदम प्रदूषित जल पिला करके एकदम बीमार बना रहे हैं, जबकि अगर नहीं जनता को प्रदूषित जल जानबूझ के पिला रहे हैं, जानबूझ के पिला, उनको नॉलेज में होते हुए भी जानबूझ पिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये लैब टेक्नीशियन नहीं रखे हैं वाटर का बराबर, बिल्कुल वहाँ पानी फिल्टर करने के बाद उसको चेक करना है बाहर भी चेक करना है। वहाँ जो है रिपोर्ट रहती है, आम आदमी कोई आदमी जाएगा उस रिपोर्ट को चेक करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ गांव हर घर में भी होना चाहिए। अच्छा, एक आप यहाँ से पानी का सैंपल ले, जो वहाँ रिपोर्ट जितना रिपोर्ट है उतना पानी में वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तो आंखों देखे हमने, बाल्टी में भरा, एकदम मिट्टी भरा गंदा पानी आ रहा। अभी तो बिना सैंपल किए देख रहा है एकदम गंदा पानी आ रहा है। ये आपका, आप बहुत दिन से ये चीज चला रहे हैं, मगर हमको लगता है कि ये सरकार और ये सरकार में सही बात है। मैंने कई बार ये बात किया, सही बात सब। चलिए ये देखिए, जल विभाग से खुद जुड़े हुए हैं, ये खुद कह रहे हैं कि गुणवत्ता चेक करने के लिए टेक्नीशियन अगर चेक नहीं कर पा रहा है, गंदा पानी सप्लाई कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए। देखिए हमारे साथ ये कुछ यहाँ के व्यापारी भी हैं। सर, आप लोग कैसा पानी पी रहे हैं नगर पंचायत का? ये पानी पीने लायक छोड़िए, नहाने लायक भी पानी नहीं, नहाने लायक भी नहीं है। पीने लायक की बात तो दूर रही, नहाने लायक भी पानी नहीं है। आप अगर इसे नहाएंगे तो इससे आपको स्किन प्रॉब्लम, खुजली, ये सब क्या नाम है आपको हो जाएगी। मतलब इतना गंदा पानी आ रहा है, आप नहाने के लिए भी कर रहे हैं, ये उपयोगी जल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ नगर पंचायत सो रहा है। यहाँ जिलाधिकारी महोदय को इतनी शिकायत गई है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो क्या नाम है, इन जो नगर पंचायत के अधिकारी हैं या फिर जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, वो कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जनता के फर्क बिल्कुल पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं तो सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, वो भी सरकार का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर 10 रुपये अगर यहाँ का फिल्टर प्लांट के पानी को शुद्धता पर अगर खर्च कर देंगे लोग और सही ढंग से उसको पानी पिला दे, हो सकता है 100 रुपये सरकार का बच जाएगा। जितना बजट नगर पंचायत का आ रहा है उसमें सबसे बड़ा उपयोग नगर पंचायत का जल शुद्ध पीना का देना चाहिए और स्वास्थ्य का व्यवस्था करना चाहिए, नहीं तो इस सरकार का कोई महत्व नहीं है। मैंने यो साहब से बात किया था तो उनका साफ कहना था कि मैं शुद्ध पानी इसलिए नहीं पिला सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अच्छा फिल्टर नहीं लगा सकता। इतनी शर्म की बात है। मैंने उनसे बोला, सर आप पढ़े लिखे हो, अगर शुद्ध पानी जनता नहीं पिएगी तो बीमार हो जाएगी, और शुद्ध किसी तरह का गंदा पानी, उन्होंने कहा बरसात का पानी आ रहा अभी ऐसे ही आएगा। अरे हमने कहा सर किसी तरह का भी पानी आए उसको फिल्टर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। लेकिन साफ साफ उनका कहना था कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अच्छा फिल्टर लगा सकें। चलिए धन्यवाद, हम चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय साहब से इस पर संज्ञान लें और जनता को कम से कम इतना जरूर करें, बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकते लेकिन शुद्ध पानी जरूर दें जिससे जनता बीमार होने से बचे। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गुज दिल्ली तक, ओबरा सोनबस से। देखिए ये सब पानी बेचारे कहाँ से ले आ रहे हैं भैया पानी, आप ये पीने के लिए सेक्टर 8 से? क्यों, घर में सप्लाई पानी नहीं आ रहा है क्या? डैम का डायरेक्ट पानी उठा के दे दिया जा रहा है, फिल्टर किया ही नहीं जा रहा है। कितने दिन से गंदा पानी पी रहे हैं? 2 महीना हो गया। तो यहाँ गंदा पानी जनता को नगर पंचायत दे रही है, कितना बीमारी होगी इसके बारे में उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग यहाँ से मतलब कंप्लेन भी बहुत गया है? हम लोग गए हैं और लोग भी गए हैं, डीएम के यहाँ भी दिया गया था एप्लीकेशन, कोई सुन नहीं रहा है। मतलब लगी थी जनता लगी थी जो। देखिए ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि पूरा नगर पंचायत पूरे ओबरा में गंदा सप्लाई पानी कर रहा है। बेचारे आप कितनी दूर से पानी लेके आ रही है? 1.5 किलोमीटर जा करके आ रहे हो, कहीं से खोज खोज के पानी लोग ले आ रहे हैं घर पे पीने के लिए। भैया आप बताइए, अमित जी आप तो यहाँ के ओबरा के नगर पंचायत में यहाँ काम भी देखे हैं, ये बताइए सर ये नगर पंचायत इतना गंदा पानी दे रहा है इसके बारे में क्या आपका कहना है? मतलब नगर पंचायत की कमियाँ है, ध्यान न देना है, और नगर पंचायत की तरफ से बिल्कुल भी एकदम चैंपियंसा और दिखारे दिखारे सो रहे होंगे, तभी ना ऐसा हो रहा है। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कि हम जनता को क्या दे रहे हैं, हैजा हो, टाइफाइड हो, बीमारियां हो, उसको क्या मतलब, जनता मरे गड़े, उनको तो अपने लाभ से मतलब।
मतलब ये पानी इतना गंदा पानी, मैं अभी सर लाइव लिया हूँ, डायरेक्ट जो सप्लाई का पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है, तो पीने के लिए मतलब जो गरीब बनता है यही पानी पी रही है, क्या करे फिर? कुछ लोग भाई मजबूरी में जब नहीं मिल रहा हो तो यही पी रहे होंगे, या जिनके घर में, जिनके घर में आरओ लगा दो ठीक है बेचारे किसी तरह पड़े, लेकिन देखिए ये भी बेचारे बाहर से पानी ला रहे हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि यहाँ सोनभद्र की, या चाहे नगर पंचायत यहाँ ओबरा की हो, चाहे SDM साहब हो, या ओबरा सोनभद्र के जिला अधिकारी साहब भी हो, अप्लीकेशन तो गया ही होगा, लेकिन कोई भी ध्यान इस पे के नहीं दे रहा है, तो ये मतलब बहुत बड़ी विडंबना है। मेरा कहना है कि इसको ध्यान दें, भाई लाखों लोग इस पानी को पी रहे हैं और लाखों लोग बीमार, हजारों लोग बीमार भी हो रहे हैं, इसको ध्यान देते हुए इसको ठीक करवाने की कृपा करें। चलिए अमित जी, आज हो सकता है जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हो और लोगों से भी बात करता हूँ। भैया आप लोग जो है यही पानी सप्लाई का यूज कर रहे हैं, तो गंदा पानी है, कैसे चाय पिला रहे हैं लोगों को? मतलब बहुत मुश्किल है आप लोगों को, मतलब थोड़ा सा दुकानदारी में भी दिक्कत हो रही है। देखिए ये बिरेंद्र भाई हैं, ये भाजपा के कार्य समिति के मेंबर भी रहे हैं, और ये कई बार SDM साहब या नगर पंचायत यो पोर्टल, यूपी मुख्यमंत्री के पोर्टल पर सब कुछ आपने डाला सर, लेकिन इतना गंदा पानी अभी भी आ रहा है। मैं लाइव अभी जो सप्लाई पानी आ रहा था मैं किया, इतना गंदा पानी आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंदा पानी इतना आ रहा है तो मैं लीजिए पीना तो बात छोड़िए, आप इससे नहा भी नहीं सकते। बाप रे जी। और इधर भी काफ़ी बीमारियां मैंने देखा है, डॉक्टरों के यहाँ जाके देखिए लाइन लगी हुई है, किसी को पेट की बीमारी संबंधित, किसी को शरीर से दाने हो रहे हैं कहीं। नहीं मतलब ये सरकार सुन क्यों नहीं रही? इतना पानी अगर साफ नहीं पिला सकती है तो भी तो बहुत बड़ी शर्म की बात है यहाँ के, मतलब जो मतलब जिला अधिकारी महोदय हों या SDM साहब हों, नगर में क्या मुख्यमंत्री की तक ये बात उनको तक पहुँची है कि नहीं पहुँची है ये सब? अब हमने तो पोर्टल पे डाली थी, पोर्टल पे उन्होंने IGRS पे उन्होंने रिपोर्ट गलत लगा दी। ये सामने यो साहब ने क्या गलत न्यूज लगाई? उन्होंने कहा कि पानी दो दिन के लिए गड़बड़ हुआ था, बाकी पानी सही है। अभी भी तो पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। मतलब यो साहब के झूठ बोलने पर इनके खिलाफ तो FIR होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मतलब गंदा पानी पिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि सही हो गया। और समझ लीजिए अभी हम लोग तहसील दिवस पे गए थे इसके साथ ज्ञापन देने के लिए। जी जी। इस पर भी हमने दिया तो SDM साहब ने इस पर कार्रवाई करते हुए यो साहब को तत्काल बुलवा कर और पानी साफ सप्लाई करने का निर्देश दिया है SDM साहब ने। अब देखिए वो कब तक करते हैं। कई तारीख को गए थे अभी आप? अभी हम लोग गए थे आपका शनिवार को गए थे, आज हो गया सर सोमवार है, तो 3 दिन हुआ, लेकिन अभी भी गंदा पानी आ रहा है। मतलब सबसे बड़ी विडंबना है, अगर सरकार शुद्ध पानी जनता को नहीं पिला सकती तो फिर तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। फिर कितनी बीमारियां होंगी इसका कोई मतलब, वो यहाँ के सरकार को और यहाँ के नगर जिलाधिकारी महोदय को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं जिलाधिकारी महोदय से भी बात करता हूँ। हम 2 दिन और देखना है, 2 दिन पानी सही नहीं होता है तो ये पानी ले आके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पिलाने का प्रयास करेंगे। श्योर 100% ये वहाँ तक जाए जिससे उनको भी समझ में आए कि सरकार जनता कैसे पानी पी रही है। वीरेंद्र मित्र आप बहुत बड़ा प्रयास किए हैं, हमने कई बार आपके फेसबुक पर भी देखा कि आपने SDM साहब को भी तहसील दिवस में दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। चलिए उम्मीद करता हूँ सर आपका प्रयास सार्थक हो, धन्यवाद। भैया आप भी ओबरा में ही रहते हैं, ओबरा में नगर पंचायत पानी कैसा दे रहा है आपको? तो आप लोग कैसे पी रहे हैं, कौन पानी क्या करें, मजबूरी है, यही पानी पी रहे हैं, यही पीना पड़ रहा है नगर पंचायत के द्वारा जो, मतलब नगर पंचायत, क्यों नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रवण कुमार जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राणमती जी के, चांदी देवी जी के, तो क्या क्या बोलते हैं कि हमें तो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? हमें लगता है कि ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति हैं, ऐसा व्यक्ति तो हमने आज तक नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी के बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उनके मतलब वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए आज हम बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए सर देखते हैं आप लोग का मतलब अभी मतलब उम्मीद क्या करते हैं कि पानी साफ होगा इनके यहाँ? तो नगर पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है, अलग नगर पंचायत से क्या अपेक्षा कर, मतलब क्या सोच रहे हैं, कैसे नगर पंचायत के अध्यक्ष कैसे हैं सर? नहीं लगता है ना, आपको नहीं लगता, विश्वास नहीं है जी। और भाई आप लोग भी काम करते हैं, आप लोग को पानी कैसा मिल रहा है पीने के लिए? पानी भी बेकार, गंदा पानी आ रहा है, गंदा मतलब आप लोग तो RO भी नहीं लगा सकते हैं, फिर भी क्या कोई पी रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, ये देखिए जनता वही पानी पी रही है। और लोगों से भी बात करते हैं जो यहाँ के लोग हैं। ये RO नगर पंचायत का पानी आप देख रहे हैं कैसा आ रहा है?
खोबरा में रहते हैं आप? हरेडिया में। अरे नगर पंचायत का पानी आप यूज कर रहे हैं, कैसा आ रहा है? जब गंदा पानी आ रहा है, मतलब आप लोग उसको गर्म करके फिर साफ करके पिला रहे होंगे किसी जनता को? मजबूरी है। चलिए ये देखिए, ओबरा की जनता त्रस्त है, लेकिन हेलो हेलो जी, एसडीएम साहब बोल रहे हैं ओबरा से, बताइए। सर मैं लोकल न्यूज इंडिया प्रेस से बोल रहा था, ब्यूरो चीफ रामचंद्र अग्रवाली फोन बस से। बताइए सर, ओबरा में ये अभी आज अपनी सप्लाई का पानी नगर पंचायत का मैं ले रहा था, इतना गंदा पानी आ रहा है, पब्लिक से भी मेरी बात हुई तो सब परेशान है सर, नगर पंचायत से गंदा पानी कब तक सही हो पाएगा यहाँ पे? यार उस दिन तहसील दिवस था शनिवार को, कई लोग आए थे शिकायत भी करने, ये पोखरी बुलवाया तो बोल रहे हैं कि इसमें बरसात का पानी कुछ टाइम इकट्ठा है जी, और उनके इसका टीडीएस वगैरह पानी का सब सही है, बरसात खत्म होने के बाद ठीक हो जाएगा जब डैम में पानी। तो सर मैंने यू से बात किया था तो उन्होंने कहा कि बरसात का पानी है, अब कुछ दिन ऐसे ही गंदा आएगा। हमने कहा सर इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आप पढ़े लिखे हो कि आप किसी भी पानी को फिल्टर किया जा सकता है, ये गंदा पानी पी के पब्लिक जनता जो है बीमार हो जाएगी, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अच्छा फिल्टर लगा पाऊँ, तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है सर, इनके पास पैसे नहीं है अच्छा फिल्टर लगाने के लिए, पब्लिक गंदा पानी पी करके बीमार हो, ये तो सर इसकी बड़ी बड़ी विडम्बना, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है जी सर हो रहा हो, जहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है जी जी उसमें वही खराब हो, वहाँ कुछ खराबी हो सर, यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे पास पैसा ही नहीं है कि अच्छा फिल्टर हम लगा पाए, ये साहब का कहना है। अरे तो जो एग्जिस्टिंग फिल्टर है उसका वही खराब, उसको रिपेयर तो करा सकते हैं। हाँ वही चीज है सर, कि काफी दिन से पानी आ रहा है और इनका कहना है कि बरसात का पानी ऐसा ही आएगा, तो सर ये तो बहुत बड़ी मतलब इतना निरंकुशता है मतलब यहाँ नगर पंचायत में कि गंदा पानी पब्लिक कितने दिन से पी रही है। अभी मैं बाल्टी भर रहा हूँ सर, एकदम मट्टी भरा, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, न्यूज दे रहा हूँ, आप भी देखिएगा, एकदम मिट्टी भरा गंदा पानी आ रहा है सर, ओवरऑल यही पब्लिक पी रही है पूरा यहाँ। सर आपसे यही रिक्वेस्ट है, डीएम साहब को संज्ञान में डाल करके यहाँ अच्छा फिल्टर दें जिससे पानी शुद्ध मिल जाए, कम से कम सरकार शुद्ध पानी तो जनता को पिला सके, मैं यही अपेक्षा करूंगा सर, आप थोड़ा डीएम साहब को संज्ञान में लेकर के फिल्टर की अच्छी व्यवस्था कराएं यहाँ पे। आप लोग कई लोग मिल ज्ञापन दे देते तो फॉरवर्ड कर देता। चलो सर मैं आज यहाँ पब्लिक से भी लेकर के मैं खुद विज्ञापन आपको खुद मैं ला कर दूंगा सर, ठीक है। फोन पर सर डीएम साहब बोल रहे हैं, बीएन सिंह सर बताइए। सर नमस्कार, मैं सर लोकल न्यूज इंडिया प्रेस से ब्यूरो चीफ फोन पर बोल रहा हूँ, रामचंद्र अग्रवाली। सर ये ओवरा में सर अभी हम लोग सप्लाई का नगर पंचायत का पानी सर ले रहे थे, देख रहे थे एकदम सर मिट्टी भरा। 10 बजे के बाद इन चीजों के संबंध में 10 बजे के बाद बताइए, अन्यथा व्हाट्सएप पर लिख के मैसेज कर दीजिए। सर मैं बाइट लूंगा सर, 10 बजे बाद बाइट लेंगे। आप हमारी बात समझ गए, मैसेज कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक, हम 10 बजे बाद जी। हाँ ओबरा यू साहब बोल रहे हैं नगर पंचायत से, मधुसूदन सर बोल रहे। सर नमस्कार, मैं लोकल न्यूज इंडिया प्रेस से ब्यूरो चीफ बोल रहा हूँ, रामचंद्र अग्रवाली सोनभद्र जी। भैया बताए सर, एक चीज आपसे भी चीज नहीं पूछना था कि ओबरा का जो सप्लाई पानी आ रहा है सर, इतना गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है, पूरी बर्तन में रखी हुई है जी। ओबरा और इस समय चौपन रेणुकोट सभी जगह पे जहाँ पे पास में नदी है, जहाँ से इंटेक नदी का है ना, तो नदी का जलस्तर बढ़ने और घटने की वजह से ये समस्याएं अभी रहेंगी 8-10 दिन तक। हमने इसमें एलर्ट भी बढ़ा के देख लिया सर, एक निवेदन आपसे ये है, नदी तो हमें हर साल आना है, पानी हर साल गंदा होगा, लेकिन जो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है यहाँ वो व्यवस्था चाहिए कि जिससे यहाँ के लोग बीमार ना हो, स्वच्छ पानी पिए। मोदी जी घर घर नल की व्यवस्था करा रहे हैं स्वच्छ पानी का, सर आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग यहाँ पे ओबरा नगर पंचायत कर रही हो तो फिल्टर इतना हो कि सर स्वच्छ पानी लोगों को मिले। नहीं कितना भी अच्छा फिल्टर लगा लेंगे जब इंटेक्स ही पानी बहुत साफ नहीं है, अगर हम मान लीजिए फिल्टर लगा करके उसमें एलम बढ़ाते हैं तो पूरे बदन में खुजली होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो हम नेचुरल चीजें सलड़ नहीं पाएंगे। अभी आप बोर्ड के कॉलोनियों में आने वाला पानी जरा देखो, जो बोर्ड की सप्लाई पे आ रहा है वो तो और गंदा आ रहा है। सर आप तो सर आप लोग इतने एजुकेटेड होने के बाद मुझे ऐसा बताएंगे? सर देखिए जो बिस्लरी का पानी होता है, कोई भी पानी आता है, हम उस लेवल तक की किसी भी पानी को स्वच्छ नहीं बिस्लेरी के पानी के बात यह है, बिस्लेरी का जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर से बनाया जाता है, ठीक है,
और हम लोग जो सप्लाई यूज कर रहे हैं वो नदी के पानी से यूज कर रहे हैं, कहीं अंतर है ना? को नदी के पानी को फिल्टर करके उस लेवल तक बनाया जा सकता है, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि पानी स्वच्छ किया दिया सकता है पब्लिक को। आपकी बात सही है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ले जाइए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी तक छोटी छोटी निकायों के पास इतनी धनराशि नहीं होती भैया कि वो उस स्तर की टेक्नोलॉजी यूज कर पाए। ठीक है सर, भजन बेटर आपकी बात यह है, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को सर आप एक संज्ञान में डालिए, क्योंकि मोदी जी स्वच्छ पानी के लिए दिल्ली से ऐलान कर रहे हैं कि पानी तो स्वच्छ ही है। एक्चुअली क्या है, आप इसका जब जाएंगे वो चेक करा कर देख लीजिए, ठीक है, उसका सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा मटमैला आ रहा है। आपके सामने हम पानी अभी ले रहे हैं वहाँ का, और देख रहे हैं इतना गंदा पानी, पूरी मिट्टी जम रही है। मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा, देख लीजिएगा, और जिलाधिकारी महोदय से भी मैं यही अनुरोध करूंगा सर, आप उनको संज्ञान में डालिए, यहाँ स्वच्छ पानी की पैसा इतना इनकम इतना पैसा दें कि यहाँ अच्छा फिल्टर की व्यवस्था हो सके सर, नहीं तो यहाँ ओबरा की जनता मर जाएगी। यही की दिक्कत नहीं है, मैंने रेणुकूट 54 सब जगह का सैंपल लिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अकेले यही की दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको सर एक बार कहीं इसके लिए एक बार आपने जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में डालिए सर। ओके सर, धन्यवाद।